यही है। मुसलमानों को उन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता मैंने वहाँ भी कहा, दिल्ली के शाहीन बाग में भी कहा। सचमुच तुम्हारा आंदोलन लोकतांत्रिक अगर है, डेमोक्रेटिक अगर है, संविधान और देश की रक्षा के लिए है, तो मोहम्मद फैज खान को अपने मंच पर बोलने दो। लेकिन उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। आज जय श्री राम कहने वालों ने मुझे अपना मंच दिया है। ये डेमोक्रेसी है, ये संविधान है, ये देश की रक्षा है। मैं 30 महीना पूरे हिंदुस्तान में पैदल गया। आमिर खान झूठ बोलता रहा, नसरुद्दीन शाह झूठ बोलता रहा, एजाज खान झूठ बोलता रहा, हामिद अंसारी झूठ बोलता रहा कि मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग होती है। ए मीडिया वालों, जितने खड़े हो, सहारा वालों, न्यूज नेशन वालों, आईबीसी वालों, आज देख लो मोहम्मद फैज खान खड़ा है। ये जय श्री राम कहता है तो जय श्री राम कहने वाले इसे अपने सर पर देश के हिंदू को आपत्ति मुसलमान से नहीं है, कसाब की विचारधारा से है। कलाम को हमेशा यहाँ पर सम्मान होता है। कानून को जब तुम समझते नहीं हो, मुझे एक बात बताओ, मीडिया वाले भाई ध्यान से सुन ले, जो कानून बनाया गया है उसमें ये प्रावधान लाया गया, 2014 के पहले जितने लोग भारत में रहते थे वो सब भारत के नागरिक हैं। तो आप बताओ 2014 के पहले से कौन कौन रह रहा है? हम सब 2014 के पहले रह रहे हैं, तो हमारी नागरिकता पक्की हुई कि नहीं हुई? ये नागरिकता पक्का करने वाला कानून है, और जो भ्रम में लोग हैं वो लोग कहते हैं नागरिकता छीनने वाला कानून है। मुझे एक बात बताओ, एनआरसी का विरोध करने वालों एक बात मुझे बताओ, एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप रजिस्टर बन रहा है देश का, जब स्कूल के रजिस्टर में नाम लिखा तो स्कूल में रहना पक्का कि स्कूल से भागना पक्का? जब मदरसे के रजिस्टर में तुम्हारा नाम लिखाया तो मदरसे में रहना पक्का कि भागना पक्का? रहना पक्का। जब हम तीर्थ यात्रा करने गए, धर्मशाला में रुके, तो वहाँ के रजिस्टर में नाम लिखाया तो धर्मशाला में रहना पक्का कि बाहर निकलना पक्का? तो मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, ये बताओ, जब भारत के रजिस्टर में तुम्हारा नाम लिखाएगा तो भारत में रहना पक्का कि भागना पक्का? देश के नागरिकता को पक्का करने वाला कानून है। जो कम अक्ल लोग हैं, जो शैतान की विचारधारा वाले लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि नागरिकता छीनने का कानून है। नहीं नहीं भाई, ये नागरिकता देने का कानून है। और पाकिस्तान 11% हिंदू थे, 2% रह गए, बहन बेटियों को अगवा कर लिया गया। और बताऊं स्थिति क्या, बड़ी मुश्किल से अगर कोई हिंदू ऊंचे पद पर वहां पहुंच भी जाए तो उस दानिश कनेरिया के साथ बैठकर बाकी टीम के लोग खाना भी नहीं चाहते हैं। यदि कोई ईसाई ऊंचे पद पर पहुंच भी जाए तो उस यूसुफ योहाना को इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ता है। ये स्थिति पाकिस्तान में है। और मैं ये जो रावण है, ये जो मायावती है, और जो दलित शुभचिंतक बैठे हैं मेरे पास, उनको लेकर आओ और उन्हें बताओ, जब पाकिस्तान में रिक्रूटमेंट निकलती है तो केवल और केवल स्वीपर की पोस्ट लिखा जाता है। ये नॉन मुस्लिम के लिए है। वो ये कहते हैं कि केवल स्वीपर की पोस्ट में हिंदू रहेंगे, नॉन मुस्लिम रहेंगे, यानी जो हमारे दलित भाई रह रहे हैं वो आज भी स्वीपर बनने वहाँ पर मजबूर हैं। और यहाँ जो दलित भाई हैं, कोई कलेक्टर है, कोई कमिश्नर है, कोई भारत का मुख्य न्यायाधीश है, कोई भारत का राष्ट्रपति है, तो यदि रावण तेरी कन्हैया, अगर तू सच्चा दलित शुभ चिंतक है तो पाकिस्तान में जो दलित भाई छूट गए उनको यहाँ पर आने दे, उनको यहाँ पर रहने दे। बात करते हैं जब जय भीम और जय मीम की, तो मैं कहता हूँ मेरे दलित भाइयों, तुम किसी के हाथ की कठपुतली मत बनो। ये नारा लगाकर जिन्ना ने जोगेंद्रनाथ मंडल को पाकिस्तान बुलाया, दलितों से पाकिस्तान के पक्ष में वोटिंग कराई, और उसके बाद जोगेंद्रनाथ मंडल खुद वहाँ पर शरणार्थी की स्थिति में आ गया। अफगानिस्तान में जाओगे, जय भीम जय मीम का नारा लगाया, लेकिन जब तालिबान सत्ता में आया तो
तो उसने भीम की चिंता नहीं की, गौतम बुद्ध की मूर्तियों को उसने तोड़ा है। इसलिए हम चाहते अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से जो अल्पसंख्यक हमारे पीड़ित हिंदू भाई हैं, उनको भारत की भूमि पर लाया जाए। क्या ये गलत है? ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है और हम सब इसका समर्थन करते हैं। मैं पुनः कहता हूँ कि इस्लाम में पहला काम जो बताया, जो विश्वासघात फैलाता है, जो गंदगी फैलाता है, जो भ्रम फैलाता है, ऐसे लोगों को शैतान की औलाद कहा गया है। मैं इंसान की औलाद हूँ। एक बात सुन लेना मेरे भाई, एक बात सुन लेना, ये जो कहते हैं कागज नहीं दिखाएंगे, यदि हम इसी मिट्टी के हैं, यदि हम इसी मिट्टी के हैं, अबे मेरी बहन हनुमान चालीसा दे, मेरी बहन बताओ, अबे मेरी बहन ने हनुमान चालीसा दिया, ये मेरी बहन ने हनुमान, इस हनुमान चालीसा के मिलने का स्रोत क्या है बताओ, ये मेरी बहन, इस हनुमान चालीसा के मिलने का स्रोत क्या है? अरे हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि जब हम एक हनुमान चालीसा की पुस्तक लेते हैं तो उसका स्रोत बताते हैं, तो शाहीन बाग में 90 टेक बिरयानी चढ़ रही है, उसका स्रोत तुम भी बताओ। वहाँ जो PFI से पैसा आ रहा है, जो ISI से पैसा आ रहा है, तुम उसका भी स्रोत बताते क्यों नहीं? क्यों कहते हो ऊपर से हमें आदेश है, बताने मना किया गया है, रात को कहीं से रख दिया जा रहा है? ये झूठ बोलना बंद करो। और यहाँ पर वही बात है ना, यहाँ प्रश्न नहीं है, यहाँ ये प्रश्न नहीं है कि तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है कि नहीं, प्रश्न ये है कि तुम्हारा बाप हिंदुस्तानी है कि नहीं है। मैं ना रोहिंग्या हूँ, मैं ना बांग्लादेशी हूँ, मैं ना पाकिस्तानी हूँ, मैं ना सऊदी अरबी हूँ, मैं ना ईरानी हूँ, मैं अपना आधार कार्ड दिखाता हूँ, मैं अपना पैन कार्ड दिखाता हूँ कि मैं इसी रायपुर की धरती पर पैदा हुआ, मैंने सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ाई की, मैंने दुर्गा कॉलेज से पढ़ाई की, मैंने गौरी शंकर के साथ पढ़ाई की, मेरे बाप का नाम मोहम्मद इस्माइल खान है, ये मौधापारा कब्रस्तान में आराम फरमा रहे हैं, मेरे दादा का नाम मोहम्मद इब्राहिम खान है, मेरे परदादा का नाम नामदार खान दरोगा है, उनके अब्बा का नाम वजीर खान है। तो ये बताओ, जब मुझे बताने में कोई आपत्ति नहीं, मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो तुम्हें बताने में क्या आपत्ति है? पता नहीं हो कहाँ से बताएंगे। हाँ पता नहीं है तो जो जो अपने पिता की तलाश सऊदी अरब में करते हैं, जो अपने पिता की तलाश सऊदी अरब, लेकिन मेरे भाई याद रखना, पीछे जाओगे तो कहते हो ताजमहल तुम्हारा निकलेगा, लेकिन मोहम्मद फैज खान ये कहता है कि तुम पीछे जाओगे तो ताजमहल तुम्हारा निकलेगा, लाल किला तुम्हारा निकलेगा, और पीछे जाओगे तो तुम्हारे माता पिता भी कोई रामलाल और श्यामलाल ही। मैं चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे उड़ाया भारत माता की।